स्टार्ट तो कर दिया सुनो सुबह के एपिसोड में राजस्थान का भूगोल चल रहा है वो चलता रहेगा इस एपिसोड में भारत का भूगोल भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट करो भारत का सामान्य परिचय सामान्य परिचय हाँ भाई बोलेंगे नहीं अभी भी दो क्वेश्चन आए हैं एल में भी सामान्य परिचय से दो क्वेश्चन आए हैं ललित जी कितनी देर होगी क्लास एक घंटे एक घंटे एक घंटे ही पढ़ा देंगे यार चलो भारत का सामान्य परिचय लिखो भारत के भूगोल के जनक जेम्स रेनेल हैं लिखिए भारत है। के भूगोल के जनक भारत के भूगोल के जनक जेम्स रेनेल भारत के भूगोल के जनक जेम्स रेनेल दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान ध्यान दो सब लोग हावी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान ध्यान दो सब लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है अमेरिका के संविधान में ओनली सात ही अनुच्छेद हैं और दुनिया का अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, साथियों भारत के संविधान में भारत के दो ही नामों का उल्लेख है एक तो भारत और दूसरा इंडिया सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भारत नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा शक्ुंतला व दुष्यंत कुमार के पुत्र राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा और इंडिया नाम इंडस नदी के नाम पे पड़ा एस एस सी जी डी का क्वेश्चन है कि भारत को इंडिया नाम किस नदी के नाम पे दिया गया है तो इंडस इंडस नदी को वर्तमान में सिंधु नदी कहा जाता है भारत के सबसे उत्तर में बहने वाली नदी सिंधु है उस सिंधु नदी के दाई और एस एस सी का क्वेश्चन है लेह शहर बसा है दाई ओर क्वेश्चन यही पूछा था एग्जामिनर ने कि लेह शहर अवस्थित है सिंधु नदी के दाईं ओर में दिया बाईं ओर फिर सेमेदी दिया दोनों ओर और, और दमेदी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं तो केवल सिंधु नदी के दाईं ओर लेह शहर बसा है लेह पूरे भारत का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा जिला है कच्छ के बाद यानी कि अपने राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर से दो जिले और बड़े हैं इंडिया में एक तो जैसलमेर से जस्ट बड़ा जिला तो कौन सा है तो वो तो है लेह और दूसरा कौन सा है कच्छ चलिए लिखिए संविधान में भारत के दो नामों का उल्लेख है संविधान में रिकॉर्डेड है क्या केवल ललित जी लाइव लाइव थोड़ी है ठीक है संविधान में भारत के दो नामों का उल्लेख है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में ओ सॉरी भारत के दो नामों का उल्लेख है संविधान में भारत के दो नामों का उल्लेख है दो नामों का उल्लेख है एक तो नाम कौन सा है एक तो नाम है भारत और एक है इंडिया भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है कि भारत केंद्र में राज्यों का संघ है अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है संघ है दूसरा नाम इंडा इंडिया भारत के सबसे उत्तर में बहने वाली नदी सबसे उत्तर में बहने वाली नदी भारत के सबसे उत्तर में बहने वाली नदी बहने वाली नदी सिंधु नदी को सिंधु नदी को सिंधु नदी को रोम वासियों ने इंडस रोम वासियों ने तो क्या कहा इंडस रोमन वासियों ने इंडस और यूनानियों ने इंडोस कहा इंडस तथा यूनानियों ने इंडोस कहा दोनों ने मिलता जुलता सा की नाम दिया लेकिन थोड़ा सा अंतर था भारत के उत्तर में बहने वाली सिंधु नदी को यूनानियों ने तो क्या कहा इंडोस और रोमन वासियों ने क्या कहा इंडस तथा देश को इंडिया कहा किस नदी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ा देश को इंडिया कहा एस एस सी जी डी का क्वेश्चन है कि किस नदी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ा तो आंसर होगा इंडस इंडस नदी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ा दो ही नाम उल्लेखित हैं हाँ जी क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने फटाफट से सुनो संविधान में भारत के कौन कौन से नाम उल्लेखित हैं एम ए लिख दिया एम ए लिखा भारत और हिंदुस्तान गलत है बैम लिखा भारत और इंडिया सही है ये है इंडिया नाम क्यों लिखा हुआ है संविधान में ध्यान दो क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिखा है संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में लिखी गई है और संविधान का हिंदी अनुवाद राजीव गांधी सरकार के द्वारा करवाया गया दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है मूल कॉपी मैंने बोल दी कि इंग्लिश में लिखी हुई है अब वो मुझे नहीं पता संविधान की मूल कॉपी की लैंग्वेज इंग्लिश है संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल कॉपी इंग्लिश में लिखी है साथियों मैंने बोल दिया और इसी को ही एक्सेप्ट कर लो है? कौन से सर चलो कोई कोई नहीं ना तो इसलिए अपने मुद्दे पे आओ ना अब तो इसलिए संविधान में यही दो नाम उल्लेखित है लिसन मी यस छोड़ दीजिए स्टॉप बोलना बंद कीजिए ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा तथा देश को हिंदुस्तान कहा लेकिन वो मौखिक रूप से कहा संविधान में लिखा हुआ नाम केवल ये ही दो हैं इसी सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी कहा तथा देश को हिंदुस्तान कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान नाम दिया ठीक है लेकिन वो नाम संविधान में लिखा हुआ नहीं है लिखो तो ये दोनों लाइनें लिख दो सिंधु नदी के दाई और कौन सा शहर बसा है लेह है ठीक इसी समय ये क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की तीन से चार एक घंटे तो होगी और उधर राजस्थान ज्योग्राफी पूरी होने वाली है अपनी तो उधर भी फिर अपने इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देंगे यहाँ भी पढ़ाएंगे दो घंटे पढ़ाएंगे आगे लिखो लेको ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा ईरानियों ने ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा हिंदू नदी कहा तथा हिंदू नदी कहा तथा देश को हिंदुस्तान कहा देश को क्या कहा हिंदुस्तान कहा अगली लाइन लिखो भारत की खोज कब की गई चौदह सौ एडी में एडी का मतलब समझ गए क्या ईस्वी एडी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा की गई पुर्तगाल का निवासी था पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा के द्वारा की गई और ये पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा एडी का मतलब समझ गए क्या ईस्वी और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग से होते हुए सबसे पहले केरल के कौन से बंदरगाह पे कदम रखा कालीकट बंदरगाह पर जम्बूरी राजा के महलों में पहुंचा कालीकट बंदरगाह पर जम्बूरी राजा के महलों में कदम रखा और भारत की औपचारिक रूप से खोज की इससे ठीक छह साल पहले उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी साथियों सुनते जाइए मेरी बातों को कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की चौदह ईस्वी में की क्या इससे पहले भारत नहीं था दुनिया में था लेकिन भारत की औपचारिक दान जानकारी देने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे जम्बूरी राजा के महलों में पहुंचा और उस उन्होंने भारत की खोज की अगली लाइन लिखी भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है साथियों छोड़ दीजिए पेन को भारत को उप मादीप कहा जाता है भारत को क्या कहा जाता है उप मादीप की संज्ञा दी गई है सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है क्योंकि भारत प्राचीन काल में एक विशाल देश था भारत सब कॉन्टिनेंट में शामिल देश पांच दे रखा है भारत ये पांच देश दे रखा है कि भारत भूटान मालदीव श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है इसमें तो ज्यादा दे रखा है ध्यान दो लेकिन उस किताब में है ना कक्षा ग्यारह की किताब में एक तो भारत एक पाकिस्तान और बांग्लादेश समझ गए और एक नेपाल और भूटान इसमें और कौन दे रखे है एक दो मालदीव श्रीलंका भी दे रखे हैं अफगानिस्तान भी हो सकता है ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं लेकिन पांच याद रखना अब तो ज्यादा दो उन पांच को प्राथमिकता देना कक्षा ग्यारह की किताब में पांच लिखा हुआ है भारत बहुत विशाल देश था पहले अफगानिस्तान तक का एरिया भारत में शामिल था बाबर सबसे पहले भारत आया तो बाबर खैबर दर्रे से भारत आया था और वो खैबर दर्रा अब हिंदू कुश पर्वत में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे है यानी कि किसी जमाने में वो खैबर दर्रा भारत का अंग था भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है भारतीय उप महाद्वीप में शामिल देश कक्षा ग्यारह की किताब के अनुसार पांच हैं, जबकि यहाँ सात लिखे हुए हैं खुद भारत बांग्लादेश पाकिस्तान आज का बांग्लादेश उन्नीस से पहले पूर्वी पाकिस्तान था अभी मैं बताऊंगा आपको आगे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं पांच पांच के जोड़े बना के दे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान और ज्यादा पूछे तो अफगानिस्तान और ज्यादा पूछे तो नेपाल ओ सॉरी श्रीलंका और मालदीव भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि भारत बहुत विशाल देश था साथियों बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन अपने को मिल गया कि इसमें पांच देश ही ज्यादा शामिल है जो मैं बता रहा था वो मिल ही गई आखिरकार वो बात कक्षा 11 की किताब के अनुसार पांच देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है जो दे रखा है लिखिए। भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, है लगातार लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश पांच है कोष्ठक में लिख दो, कोष्ठक में लिख दो भारत बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान पांचों के नाम लिख दिए क्या? नेक्स्ट लाइन में लिखो भारत ध्यान दो भाई ये पाकिस्तान बांग्लादेश ये नेपाल भूटान ये सब भारत के अंग थे इस कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है ध्यान दो आज का बांग्लादेश उन्नीस से पहले पूर्वी पाकिस्तान था लिखाएंगे आगे चल के पहले दुनिया में दो पाकिस्तान थे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया लार्ड माउंट बेटन योजना के तहत हुआ विभाजन के बाद ये मुद्दा सामने आया कि किस वाले भाग को नाम दिया जाए भारत और किस को नाम दिया जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान किसको कहा जाए पाकिस्तान किसको कहा जाए तो वापस से सुनो ना, ना, ये अंत में निर्णय हुआ कि जिधर मुस्लिम बाहुल्य उसको नाम दिया जाए पाकिस्तान इधर भी मुस्लिम बाहुल्य था इधर भी मुस्लिम बाहुल्य था और जिधर हिंदू बाहुल्य है उसको नाम दिया जाए हिंदुस्तान ये दो पाकिस्तान बने 1947 में ये वाला पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना और ये वाला पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना दो पाकिस्तान थे उन्नीस की लड़ाई लड़के पूर्वी पाकिस्तान को नया राष्ट्र घोषित किया गया बांग्लादेश पटवारी का क्वेश्चन है बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना 16 दिसंबर उन्नीस सौ दिसंबर नाइनटीन की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ लौंगे वाला पोस्ट अभी पूछा है जैसलमेर में है ना बॉर्डर मूवी 1971 के युद्ध पे ही तो बनी है है ना तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना 16 दिसंबर 1971 इससे पहले क्या था ये पूर्वी पाकिस्तान अब दुनिया में एक ही पाकिस्तान रह गए उसके पूर्वी और पश्चिमी लगाने की क्या जरूरत है अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश की गद्दी छोड़ी है तो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे कम संख्या में है ठीक है तो लिखो तो फिर आगे चलो कमर खींच के बैठो इससे सुस्त मत बैठो हम नहीं तो कहा था सर आपकी क्लास से तो दो तीन घंटे भी पढ़ लेंगे हम रोचक चीजें पढ़ाऊंगा गुधर है बहुत हैं। अभी भी दो क्वेश्चन आए हैं एल में चलो तो फिर लिखो भारत को क्या दी गई है उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है भारतीय उप महाद्वीप में कक्षा ग्यारह की किताब के अनुसार शामिल देश कितने हैं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान आगे की लाइन में लिखो सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख भारतवर्ष नाम का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है चलो वापस से सुनो ये भारत है ना दुनिया का क्षेत्रफल में सातवां बड़ा देश है इधर देखो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो वर्ग किलोमीटर है वापस से सुनिए भारत का क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है यस वापस से सुनिए पूरी दुनिया का पूरे विश्व का लोगों ने 2.42 परसेंट कर दिया जो गलत था भारत पूरी दुनिया का मात्र जीरो पॉइंट सतावन परसेंट है और पूरी दुनिया के स्थल मंडल का ये बात किताबों में नहीं हो तो सीधे रूप में लिख रखे हैं भारत विश्व का दो पॉइंट चार दो परसेंट है पूरे विश्व का दो पॉइंट चार दो परसेंट थोड़ी है पूरे विश्व पे तो जल भी आ गए ना अरे पृथ्वी पे जल भी तो है इकहत्तर परसेंट भाग पे जल है पृथ्वी के सेवेंटी वन परसेंट भाग पे जल है और पृथ्वी के ज्यादा भाग पे जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है साथियों भारत पूरे विश्व के स्थल मंडल का दो पॉइंट चार दो परसेंट है पूरे विश्व का तो जीरो पॉइंट परसेंट ही है दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है क्षेत्रफल में भारत का स्थान सातवां है और दुनिया का आठवां बड़ा देश ब्राजील के नीचे है अर्जेंटीना अभी मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस रूस को उन्नीस से पहले सोवियत संघ कहा जाता था तो मैं लिख रहा हूं एक लाइन लिखो तो तुम भी लिखो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है गोदारा ये है अगर वर्ग मील में पूछे तो कितना है वर्ग में? बारह दो सौ उन्नीस हुआ बारह दो सौ उन्नीस वर्ग मील है बत्तीस लाख सत्यासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है बारह दो सौ उन्नीस वर्ग मील है इस आंकड़े में अभी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ये तो बिल्कुल सही है बारह 219 सौ उन्नीस दो सौ उन्नीस कुछ चलो देख लेंगे अपन ठीक है आगे लिखिए ये जो क्षेत्रफल है ध्यान दीजिए अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो अपन देख लेंगे क्षेत्रफल ये, ये जो दिया हुआ क्षेत्रफल है क्या देखे आप हाँ क्योंकि ये तो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार ये तो बत्तीस लाख है ना बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ उन्नीस हम्म बारह लाख है सही है बारह हजार तो कैसे ही होगा सही है अचानक से लेप्स हुआ है ये हाँ भाई सही है एक मिनट बारह उनहत्तर दो सौ उन्नीस वर्ग मील है सही है यही है आ गए ना मिसप्लेस हुआ कैसे हुआ तो मिसप्लेस आंकड़ा अपने आप ही अजीब सा लगने लगता है मिस मतलब अचूक हुई अचूक हुआ कि साहब ये गलत है ये डेटा माइंड से मिस हो गया लेप्स हो गया तो बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ उन्नीस वर्ग मील है बिल्कुल सही है आगे चलो क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का संपूर्ण विश्व का बोलो कितना परसेंट है जीरो पॉइंट सात परसेंट है तथा संपूर्ण विश्व के स्थल मंडल का संपूर्ण विश्व के स्थल मंडल का दो पॉइंट चार दो प्रतिशत है क्षेत्रफल में भारत का स्थान सातवा है क्षेत्रफल में भारत का स्थान आंसर होगा सातवा और जनसंख्या में पहला नए आंकड़ों में भारत से बड़े भारत से बड़े छ देशों का अवरोही क्रम भारत से बड़े देशों का अवरोही क्रम भारत से बड़े छह देशों का अवरोही क्रम और भारत से बड़े छह देशों के अवरोही क्रम की ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत रुक चीन अब आ भारत इधर देखिए छोड़िए पेन को क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है पहला भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन है मध्य प्रदेश से वाली का खोपड़ी फोड़ोगा तुम्हारी नहीं पढ़ गया होगी तुम सही बता रहा हूँ बाईक जिस दिन गुस्सा आ गया ना उस दिन तो गुस्से लगाऊंगा बिना पटे तो। कैसे काम चलेगा यार तुम्हारा ये बात मैं कितनी बार कहता हूँ तुम्हारे को रोजाना हाँ भाई छोड़ दीजिए पेन को भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है सातवां। पेन को छोड़िए क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है दूसरा कनाडा तीसरा चीन चौथा अमेरिका जल्दी बोलो चौथा कौन है पांचवा ब्राजील कौन है रुक चीन अब आ भारत अब यानी क्या होगा छठा बड़ा देश छठा <coughs> बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है सातवां बड़ा देश कौन है भारत जल्दी बोलो सातवां बड़ा देश कौन है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा सातवा आठवा आठवां सबसे बड़ा देश कौन है दुनिया में दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है पेन को छोड़ो अर्जेंटीना ध्यान दो ध्यान दो क्या रट रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा देश <laughs> दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस मी, दूसरा बड़ा देश कनाडा तीसरा बड़ा देश चीन चौथा बड़ा देश अमेरिका पांचवा बड़ा देश छठा बड़ा देश सातवा बड़ा देश बहाठवा बड़ा देश दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है अर्जेंटीना क्यों पूछा ये क्वेश्चन आसानी से पूछ लिया कि साहब विद्यार्थी को भारत से जस्ट छोटा देश भी पता है कि नहीं कौन है दुनिया में इसलिए पूछा वापस से सुनिए ये रूस जो आपको दिख रहा है दुनिया का सबसे बड़ा देश ये पीला पीला पूरा ये पहले और भी बड़ा था सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था सीजीएल का क्वेश्चन बता रहा हूँ गला खराब है लगातार सुबह से पढ़ा रहा हूँ मेरा पढ़ाने का मतलब पढ़ाने का मतलब पढ़ाना ही है और वो पढ़ाना तुम सुनोगे तभी है साथियों ये रूस पहले और भी बड़ा देश था इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी पढ़ाने हैं राजस्थान जोग्राफ़ी में तो वहाँ भी देरीय बना के बैठे रहें उधर वो भी है जो एक आधा टॉपिक मुझे पढ़ाना है बाकी तो मैं उनको जगतार सर को कह दिया हूँ वो पढ़ा देंगे ठीक है टाइम का अभाव है मेरे पास इस वजह से बाकी कंपटीशन में क्या चीज़ आने वाली है वो तो कंपटीशन में जो जुड़ा रहता है ना उस व्यक्ति को ज़्यादा मालूम होता है ठीक है स्कूली शिक्षा एक थोड़ी अलग होती है वो स्कूल में लेक्चरर है आज मैडम स्कूल में लेक्चरर है पढ़ा रही है ठीक है उसको यहाँ कंपटीशन में क्या आने वाला है उसका नॉलेज नहीं है क्योंकि वहाँ तो किताबें पढ़ाई जाती हैं तो कॉम्पिटिशन में क्या आने वाला है उसका नॉलेज तो जो कॉम्पिटिशन में जुड़ा रहता है या दोनों में जुड़ा रहता है उनको होता है क्या रहता है कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो सबसे ज्यादा अपने मायने रखता है साथियों दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है दुनिया का आठवां बड़ा देश कौन सा है मी यस yes. ये रूस पहले और भी बड़ा देश था रूस के टुकड़े हो गए दुनिया के दो देशों के बीच तीन साल से युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध में डटे हुए हैं तीन साल हो गए युद्ध चले हुए दो देशों के बीच युद्ध चला हुआ है साथियों रूस पहले और भी बड़ा था यानी कि रूस बेलारूस कजाकिस्तान यूक्रेन ये सब रूस के ही पार्ट थे और रूस को सोवियत संघ कहा जाता था लिसन मी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ 1991 में सीजीएल का क्वेश्चन है और आज सोवियत संघ टूट कर देशों में बट गया जिसमें से रूस बेलारूस पोलैंड ये सारे हैं। रूस आज भी 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 सबसे बड़ा 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 देश है। पहले और भी बड़ा था। पहले और और था। था। कजाकिस्तान वगैरह ये रूस के ही भाग थे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चला हुआ है वो यूक्रेन और रूस दोनों सोवियत संघ के पार्ट हैं तीन साल हो गए दोनों के बीच युद्ध चले हुए यूक्रेन एक छोटा सदेश रूस जैसी महाशक्ति के सामने युद्ध में डटा हुआ है क्योंकि यूक्रेन को सहायता उपलब्ध करवा रहा है अमेरिका नेटो के देश यूक्रेन को सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं व्हाट इज नेटो नेटो क्या है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी आया था नेटो एनएटीओ नेटो, नेटो का पूरा नाम क्या है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटेरी ऑर्गेनाइजेशन साथियों आधी किताबों में दुनिया का तीसरा बड़ा देश चीन और आधी किताबों में अमेरिका लिखा है एनसीईआरटी में अमेरिका लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है मेरे मुताबिक तुम्हें दुनिया का तीसरा बड़ा देश चीन ना करके अमेरिका करना है क्यों करना है पूछो क्यों करना है सर ऐसे पूछो इसलिए करना है कि ये जो अमेरिका आपको दिख रहा है ये सही मायने में चीन से छोटा है लेकिन ये भी तो अमेरिका ही है अमेरिका में पचास प्रांत हैं। एसएससी का क्वेश्चन है अमेरिका के दो प्रांत अमेरिका की मुख्य भूमि से दूर है तभी तो अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है यह भी अमेरिका का अलास्का प्रांत है जो अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर है कनाडा के पास है साथियों सी के दो क्वेश्चन हैं सुन लेना एक तो अमेरिका में प्रांतों की संख्या कितनी है पचास दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है अलास्का तभी तो अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है और वास्तव में ही एनसीईआरटी सही कह रही है कि दुनिया का तीसरा बड़ा देश अमेरिका है चीन नहीं है लेकिन अपनी ट्रिक्स क्या कह रही है कि दुनिया का तीसरा बड़ा देश कौन है चीन है ट्रिक्स अच्छी तो यही लग रही है रुक चीन अब आ भारत तीन ऐसे लिखा जाता है तीन से क्या बनेगा अमेरिका यहाँ तीन लिख दो और यहां चार लिख दो अपना क्या है ये लो लिखो आज माने हो तीन दिन की क्लास होते ही बड़ा बैच है ना एक दिन में मान जाता है तीन दिन की क्लास में मान जाता है कि गुरु जी क्या पढ़ाएंगे दुआदार तरीके से चलता हूं बैच छोटा था तुम्हारा सुने सुने थे तुम यही बैच हजार का हो तालियां बजती रहे राव होती रहे तो जोश आता है और तुम जैसी बुरी शकल के बना के बैठ जाते हो ना मास्टर का जोश मर जाता है रूस क्या कहलाता था दोस्तों पहले सोवियत संघ सोवियत संघ का विघटन कब से शुरू हुआ हाँ उन्नीस सौ इक्यानवे से सीजीएल का क्वेश्चन है विघटन शुरू हो गया एसएससी का क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है दुनिया का आठवां बड़ा देश कौन है अर्जेंटीना भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन है तुम जैसे रंग बिरंगे विद्यार्थी क्लास में बैठे रहने चाहिए मैंने भारत का भूगोल शुरू कर दिया है इसकी सेपरेट एक नोटबुक बना लेना आप राजस्थान की जोग्राफी के अंदर ही मत लिखना क्योंकि पंकज इसमें तो मैं दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा परिवहन मेरे को दिया गया है दिया गया क्या है पढ़ाता तो मैं सारे ही हूँ एक सारे परफेक्ट तरीके से पढ़ाता हूँ एक नंबर लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो उनको मैंने सौंपा है ये थोड़ा सा जो वो पढ़ाएंगे उनके लिए पहले टॉपिक है उन्होंने ये कहा कि सर मैं परिवहन नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैं परिवहन में पढ़ाऊंगा तुम्हें ठीक है जो भी वो छोड़ेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा तो आप इंडियन ज्योग्राफी की सेपरेट कॉपी बनाएंगे ठीक है सोवियत संघ का विघटन कब से शुरू हुआ ये सीजीएल का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा है साथियों दुनिया का तीसरा बड़ा देश क्या ही करोगे अमेरिका ही करोगे किसके बताए अनुसार पीसी सर के बताए अनुसार बाकी किताबों में क्या भी लिखा हुआ मिलेगा चीन भी लिखा हुआ मिलेगा और कुछ कुछ है किताबों में क्या भी लिखा हुआ मिलेगा मलिका अमेरिका भी लिखा हुआ मिलेगा सही क्या है अमेरिका है क्यों है मैंने बता दिया मैंने क्या कर दिया बता दिया लिखो एक लाइन लिखो दिल्ली पुलिस में पूछी थी विश्व का विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना आठ वाली रहा हूं मैं तेरे को क्या सुना विशाल कुछ भी नहीं बोला फिर मेरे को कैसे सुन गया ये कान ज्यादा सुनते हैं क्या मेरे कुछ तो बोला ही था बोलो विश्व का आठवां बड़ा देश अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी पूछा है ब्यूनर आयर्स विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी एसएससी में पूछा है ब्यूनर सायर्स एक घंटे ही पढ़ाएंगे मेरे पाव थक गए आज मेरे जूते कंफर्ट नहीं, जूते नहीं आज जूते कंफर्ट नहीं पहना आज मैंने सोचा कम किला से होंगे इसलिए ये वाले जूते पहन के आ गए इन जूतों ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाए ज्यादा देर का मतलब सुबह से आठ घंटे से तो खड़ा ही हूं बेचारे जूतों का क्या दोष सॉफ्ट दोस्त वाले तली वाले वो खोलने से ज्यादा दिक्कत लिखो नया नया ज्ञान मत बांटो तुम लिखो ज्ञान तो मेरे पास ही बहुत है और क्या हाँ भाई साथियों दो क्वेश्चन पूछा है 2022 में सुन लो एक तो सीजीएल में नवंबर में पेपर लगा उसमें पूछा है इधर सुन लो कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है तो बताइए गोवा तो गोदारा क्षेत्रफल में छोटा है सिक्किम है हाला था ना मेरे याद क्यों नहीं है क्योंकि ये आराम खोर है माइंड से लेब्स हो गया शब्द को पकड़ रखा है चिराग तुम इतना मत पकड़ उसको हाँ भाई यहां सुन लो इधर सुन लो रे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है फिर राजस्थान का पड़ोसी फिर महाराष्ट्र फिर यूपी है सबसे छोटा राज्य गोवा है गोवा का क्षेत्रफल पूछा है एस एच सी सी एस एच सी एच एस एल में सैतीस जीरो दो और राजस्थान का क्षेत्रफल अपने को पता ही है तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस ठीक है अब गोवा ऑप्शन में नहीं दे तो दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम और तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा और चौथा सबसे छोटा राज्य नागालैंड है चार बड़े राज्यों और चार छोटे राज्य याद होने चाहिए बड़े राज्यों का आरोही क्रम बोलो राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूपी छोटे राज्यों का आरोही क्रम गोवा सिक्किम त्रिपुरा नागालैंड ठीक है और राजस्थान तो पूरे भारत का साढ़े दस परसेंट है लगभग दस पॉइंट इकतालीस कैसे निकालते हैं ये जैसे गोवा का क्षेत्रफल सैंतीस जीरो दो है सैतीस जीरो दो को सौ से गुणा कर दो करो सैतीस जीरो दो को दो सौ से गुणा करो इसमें करो ना कैलकुलेटर में लगा दिए और उसमें इसका भाग दो बत्तीस सतासी दो सौ तिरसठ का फिर गोवा कितना परसेंट है वो आ जाएगा सैतीस जीरो दो डबल जीरो में इसका भाग दे दो पॉइंटों में आएगा जीरो पॉइंट कुछ हाँ तो बस गोवा इतना ही परसेंट है लिख दो भाई लिखो भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है बड़े राज्यों का अवरोही क्रम अवरोही क्रम तो जानते हो ना घटता क्रम और छोटे राज्यों का छोटे राज्यों का कैसा कर्म बनेगा भाई आरोही आरोही का मतलब बढ़ता इधर देखो बोलो सबसे बड़ा राज्य कौन है ध्यान दो दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र चौथा बड़ा राज्य है यूपी क्या क्षेत्रफल भी याद करोगे क्या एक का करना तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दस पॉइंट इकतालीस कैसे निकालेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल गुणा सौ बटा भारत का क्षेत्रफल ऐसे ही भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों सबसे छोटे राज्य का क्षेत्रफल अभी पूछा है गोवा गोवा का क्षेत्रफल सी एच एस एल में पूछा था 37.02 जीरो दो वर्ग किलोमीटर गोवा पूरे भारत का कितना परसेंट है जीरो पॉइंट एक एक परसेंट दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है सिक्किम तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है चौथा सबसे छोटा राज्य नागालैंड सी एच एस एल के पेपर में गोवा का क्षेत्रफल पूछा है एस एस सी से एच एस एल जनसंख्या में छोटा राज्य कौन है सिक्किम जनसंख्या में बड़ा राज्य कौन है यूपी बीस करोड़ राजस्थान से तीन गुना ज्यादा साथियों अभी एक एल में क्वेश्चन पूछा है, आइजोल किसकी राजधानी है मिजोरम की और एक क्वेश्चन पूछा है इधर सुन लो ऑप्शन कौन सा राज्य बांग्लादेश को टच नहीं करता त्रिपुरा असम मेघालय मणिपुर कौन सा राज्य बांग्लादेश को टच नहीं करता त्रिपुरा असम मेघालय मणिपुर किसी के बाप से सही नहीं हो क्योंकि नक्शा भरना ही नहीं आता है आपको मणिपुर टीपू सुल्तानों अरे दुनिया के टीपू सुल्तानों बड़े टीपू सुल्तानों इधर सुनो महान टीपू सुल्तानों इधर सुनो साथियों त्रिपुरा बांग्लादेश को टच करता है टच नहीं करता है पंकज बांग्लादेश से तीन ओर से गिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है साथियों असम बांग्लादेश को टच करता है टच नहीं करता बांग्लादेश से दो बार सीमा बनाता है एक बार इधर से एक बार इधर से क्योंकि असम की गोद में कौन बैठा है मेघालय बांग्लादेश से दो बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन है असम बांग्लादेश से तीन ओर से गिरा हुआ राज्य कौन है त्रिपुरा और मेघालय भी बांग्लादेश को टच करता है दुनिया के टीपू सुल्तानों मणिपुर नहीं करता मणिपुर किसको टच करता है म्यांमार को नक्शा भरना सीख लो रूम में जाके ऐसा नक्शा लगा लेना आज जाते समय नक्शा खरीद लेना सयन कक्ष में ऐसा नक्शा लगा लेना कैटरीना कैफ और सानिया मिर्जा की फोटो को हटा देना और ये वाला नक्शा लगा लेना चले जाओ इनको खुद को ही बता नहीं है क्या करना है नक्शा ही नहीं लगाते हैं मन से हाँ?